हेलो फ्रेंड्स, नीलम रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम अप्पम मेकर में बटाटा वड़ा या आलू वड़ा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा कप बेसन लिया है, 3 बॉयल आलू लिए हैं, मैश कर लिए हैं इनको, राई या सरसों के दाने लिए हैं, करी लीव्स ली है, बारीक कटी हरी मिर्ची ली है, हींग, लाल मिर्ची का पाउडर, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक लिया है, अजवाइन ली है और बेकिंग सोडा लिया है। सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। बेसन में मसाले डालेंगे, नमक डाल दिया है मैंने यहाँ पे, लाल मिर्ची का पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे और लास्ट में बेकिंग सोडा डाल देंगे। मिला लेंगे इनको। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, एक साथ पानी नहीं डालना है। इस तरह से थोड़े थोड़े पानी डालते जाएंगे। एक साथ पानी डालने से लम्स भी पड़ जाते हैं और बैटर पतले होने का चांसेस भी रहता है। हमारा जो बेसन का बैटर था तैयार हो गया है। अब इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। चलते हैं अगले प्रोसेस पे। कढ़ाई में तेल गरम करके राई या सरसों के दाने डाल देंगे, हींग डाल देंगे, करी पत्ता डाल देंगे, फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम मसाले डालेंगे, हल्दी का पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्ची का भी पाउडर डाल देंगे और बारीक कटी हरी मिर्ची डाल देंगे। मसालों को भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम मैश किया हुआ आलू भी डाल देंगे इसमें। मिला लेंगे दोनों को। आलू के जो बड़े टुकड़े हैं उनको तोड़ते हुए मसाले और आलू को मिलाते जाएंगे। लास्ट में इसमें अमचूर का पाउडर डाल देंगे। आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। हमारे आलू की स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। ठंडा कर लेंगे इसको। आलू की स्टफिंग ठंडी होने के बाद हम इनकी बॉल्स बनाएंगे। हथेलियों को चिकना करके अप्पम मेकर का जो भी साइज है उस साइज की बॉल्स बना लेंगे। इसी तरह से सारी बॉल्स मैंने तैयार कर ली है। अब चलते हैं हमारे बैटर की तरफ। देखिए, इस तरह के बैटर की कंसिस्टेंसी चाहिए हमको। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है अभी हमें इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अप्पम मेकर के सभी मोड में हम थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालेंगे। स्प्रेड कर लेंगे इसको। अब हम एक एक वड़ा बेसन के बैटर में डालते जाएंगे और फिर इसमें मोल में डालते जाएंगे। एक बड़ा उठाएंगे, बैटर में डालेंगे और फिर मोल में डालेंगे। सारे बड़े एक साथ बेसन के बैटर में नहीं डालने हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। अब ढक के 5 मिनट के लिए इसको सिकने देंगे। 5 मिनट हो चुकी है, चेक कर लेते हैं। वड़ा हमारा इस साइड से सिक के बिल्कुल तैयार हो गया है। पलट लेंगे इनको। सारे वड़ों को पलट के फिर से इनके ऊपर ऑयल लगाएंगे। फिर से ढक के 5 मिनट के लिए सेक लेंगे। चेक कर लेते हैं,
वड़ा हमारे दोनों तरफ से सीख के बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे आप चटनी या सॉस के साथ सर्व करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।